that I go insane. Yeah, I hit you with the bullet to the brain. Let us stop running if we go and go in insane. तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी इस नए वीडियो में। और वैसे भी आप टाइटल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज़ पर बात करने वाला हूँ, ठीक है। अब भी मैं आपको एक चीज़ ये कन्फर्म कर दूँ कि मैंने कोई YouTube में सर्च करके या फिर Google सर्च करके, मतलब मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आकर यहाँ पे बता रहा हूँ कि सोलो ट्रैप कैसे बनाना है। प्योर फ्री टू प्ले सोलो ट्रैप आपको बताने वाला हूँ कैसे बनाना है। मैं खुद एक सोलो ट्रैप हूँ, ठीक है, और मैंने खुद एंजॉय किया सोलो ट्रैप। पिछले दो साल से मैं एक गेम खेल रहा हूँ और मुझे पता है कि मैंने क्या किया इसमें, ठीक है। मैंने प्योर फ्री टू प्ले हूँ, मैंने प्योर फ्री टू प्ले सोलो ट्रैप बनाया है विदाउट स्पेंडिंग 1 रुपीज़, ठीक है। बस अभी रिसेंटली मैंने थोड़ा थोड़ा स्पेंड किया, मतलब क्योंकि मैं अपने अकाउंट को T4 बना चुका हूँ, इसीलिए। तो आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। इसमें फ्री टू प्ले आप क्या कर सकते हैं, क्या करना है आपको। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मतलब स्पेंड हो जाएगा, स्पेंड करेंगे, स्पेंड करने वालों का ही सोलो ट्रैप है वगैरह 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 वगैरह। तो यार वैसा कुछ नहीं है, मैंने खुद एंजॉय किया है फ्री टू प्ले सोलो ट्रैप। तो मैं आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से कि आपको यहाँ क्या करना है और क्या चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। मैं जानता हूँ अभी T5 आ चुके हैं जिसमें थोड़ा सा काफ़ी एक्स्ट्रा डैमेज होता है, लेकिन कुछ नहीं होता डैमेज। मैंने खुद T5 की हिट ली है, कुछ डैमेज नहीं दिया उन लोगों ने मुझे, उल्टा डैमेज उन्हीं को गया है और रोते हुए भागे हैं हमारे पास से, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि सोलो ट्रैप करना कैसे, ठीक है। अभी बाकी जो सोलो ट्रैप है यूट्यूब में आप देखते हैं तो उन्हें फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका वीडियोज़ काफ़ी अच्छे होते हैं, मैं खुद देखता हूँ। देखने के लिए एंजॉय कीजिए, लेकिन मतलब वो बोल रहे हैं कि ऐसा वैसा, तो फालतू में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। उन लोगों को अगर 0 भी हो गए तो अगले दिन वो लोग मतलब फ्री टू प्ले बोलते हैं, लेकिन एक दिन में उनके पास मतलब जो सोलो कॉम्प है ना बन जाता है, तो आपको पहले ही पता चल गया होगा वो लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सोलो ट्रैप में आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको पहले अपने हीरोज को देखना है, ठीक है। मैं आपको पहले हीरोज बता देता हूँ, बाद में आपके बिल्डिंग्स बताऊँगा, बाद में आपको रिसर्च भी बताऊँगा कि कौन सी रिसर्च करनी है क्या नहीं है, ठीक है। तो आपके हीरो सबसे पहले 5 हीरो जो आप वर्ल्ड डिफेंस पे लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर अपने डिफेंस में अपने जो 5 हीरोज आप जो लगाएंगे तो वो ये 5 हीरोज हैं। बस एक मिनट, मेरे पास मतलब फिलहाल मेरे पास ना स्नो क्वीन जो है रोज नाइट वो गोल्ड नहीं है, इसी वजह से मैंने स्कारलेट बोल्ट लगाया है। ये हट जाएगा यहाँ से और मैं इसे लगा दूंगा। तो ये आपके 5 है गोल्ड हीरोज, ठीक है गाइस, ये आपके 5 हीरोज है, ये आपको यहीं पर रखना है, ठीक है। एक मिनट, वेरी जीरो नाइट, ठीक है। तो ये 5 परफेक्ट हीरोज है गाइस, इन 5ों को आपको पहले गोल्ड करना है। ये आपको काफ़ी अच्छा आर्मी अटैक देते हैं दोनों, रोज नाइट एंड गॉबलिन प्लस चिल्ड ऑफ लाइट स्नो क्वीन एंड डीमन स्लेयर। ये आपको ट्रैप ड्यूरेबिलिटी, ट्रैप अटैक, ट्रैप HP देते हैं प्लस रेंज अटैक, कैवलियर अटैक और इन्फेंट्री अटैक, ये तीनों मिक्स आ जाते हैं आपके पास, क्योंकि आपके पास तीनों मिक्स का ट्रैप होगा ना सिंपली, तो आपको मिक्स अटैक ही चाहिए। तो ये तीनों का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ जाता है, ठीक है। प्लस 2 फैमिलीज आपको खुलने, वो भी बताऊंगा कि आपको फैमिली में कौन से 2 हीरो अनलॉक करने हैं, आगे बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए बिल्डिंग में क्या करना है आपको, पहले आपको सारे के सारे जो आपके मतलब है ना हॉस्पिटल और मैनर्स जो है, तो आपको पहले हॉस्पिटल हटा देने सारे के सारे, और पूरे के पूरे जो आपके मैनर्स है वो 25 पे होने चाहिए या फिर 24 पे भी हो सकते हैं, ठीक है। 25 काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि आपको हर 2000 काफ़ी सारे मतलब गोल्डन हैमर के लिए आपको काफ़ी सारे जिम्स स्पेंड करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो 24 पे भी आप काफ़ी अच्छा बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। मैंने खुद 24 पे ट्रेनिंग की बिल्डिंग, और मैंने 8 से 9 मिलियन ट्रेन किए गए, ठीक है। मैं कैसे कि ये मैंने फ्री टू प्ले प्योर, ठीक है, मैंने उसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है, और मैंने 8 से 9 मिलियन मैंने ट्रेन किए, और मेरी प्रोफाइल खुल के देखेंगे तो उसमें 13 मिलियन मैं लॉस कर चुका हूँ, ठीक है, फ्री टू प्ले। तो बाद में बात करेंगे उसकी, मैं आपको बता दूँ कि फ्री टू प्ले आपको बनाना कैसे, ठीक है। तो आपको सारे मैनेज हटा देने, आपका एक बैरक 25 तो होना ही चाहिए जिससे 5000 आप ट्रेन कर सकते हैं, या फिर मैं बोलूँगा कि 2 बैरक्स रख दीजिए जिससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे 2 बैरक्स रख दीजिए कि 10000 से 8000 आप मतलब एक साल में ट्रेन कर पाएंगे, ठीक है। तो आप काफ़ी अच्छा मतलब ईजी हो जाएगा। और रही बात आपको स्पीड अप, ठीक है, आपको मतलब ऐसे गाइड में जाना है जो काफ़ी अच्छा है, एक्टिव है, ठीक है, एकदम बड़े गाइड में भी नहीं, वहाँ पे मतलब आपको गाइड फेस की काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपको गाइड फेस करना पड़ेगा ये वो ये वो। तो ऐसे गाइड में जाइए जो अच्छा है, एकदम हार्ड भी नहीं है गाइड फेस के लिए और एकदम वीक भी नहीं है, जिससे क्या है आपको गाइड फेस सबसे बढ़िया हेल्प करने वाला, गाइड फेस वहाँ पे मॉन्स्टर चेस्ट काफ़ी सारे मिल जाते हैं आपको, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। प्लस जेम्स तो मिलता है, स्पीडअप भी मिलता है, स्पीडअप के साथ साथ आपको ज्वेल्स भी मिल जाते हैं जो आपको मतलब अपने गियर्स में लगाने के लिए काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको गियर्स भी कौन से करने हैं, और बिल्डिंग्स आपको बता चुका क्या करना है। प्लस यहाँ पे आप मिक्स लगा दीजिए अपने बिल्डिंग्स को, जिससे कि आपका मिक्स हो जाएगा रिसोर्सेज, जो प्रोडक्शन है वो मिक्स होगा, और काफ़ी देखिए मेरा प्रोडक्शन, देखिए मेरे पास आधी बिल्डिंग है लेकिन फिर भी मेरा डेली प्रोडक्शन है काफ़ी अच्छा, देखिए।
आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डेली प्रोटेशन, मुझे मैं गैदर बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम मैंने कब गैदर किया था मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। लेकिन ये मेरा मतलब मुझे आना, मुझे मैं जब ट्रेनिंग करने के लिए आता हूँ मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती गैदर करने की, कुछ बस ट्रेनिंग पे लगा देता हूँ ट्रूप और मतलब अपने आप मतलब प्रोडक्शन होते रहता है, ठीक है। आपको मतलब गैदर ही करना है क्योंकि फ्री टू प्ले जो है ना गियर, फ्री टू प्ले जो गियर्स है वो आपको गैदरिंग से ही मिलेंगे, गैदरिंग जो मटेरियल्स होते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये रहा, ये गैदरिंग मटेरियल्स ही आपको, ये जो मटेरियल्स है ना ये आपको गैदर करने के बाद ही मिलते हैं, ठीक है। तो आपको गैदरिंग काफ़ी अच्छा मतलब दबा के गैदरिंग करनी है, ठीक है। मतलब आपको वेस्ट नहीं करना है अपना टाइम, आपको पेशेंट से काम करना है, गैदरिंग कीजिए डेली आइए 24/7 मतलब नहीं बोलूँगा मैं, मतलब जब भी आप ऑनलाइन आते बस ये याद रखिए कि आपने टाइम देख लीजिए कि कितने टाइम में आपके वो ट्रूप वापस आने वाले हैं गैदरिंग से, और फिर उन्हें वापस भेजिए। मतलब आपको फूड भी गैदर करना है, मतलब सारे रिसोर्सेज गैदर कीजिए एक्सेप्ट गोल्ड। मतलब गोल्ड को आप गैदर नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी काम का नहीं है अपने को। आपको मेहनत जब बना देंगे ना तो डेली प्रोडक्शन से आपको गोल्ड ऐसे मिलते रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये करना है, तो आप समझ गए होंगे आपको बिल्डिंग्स में क्या करना है और गैदरिंग रिसोर्सेज डेली आपको गैदरिंग रिसोर्सेज करने हैं आपको, ठीक है। गिफ्ट आपको काफ़ी अच्छे मिलने चाहिए, ऐसे गाइड में जाइए 17 या फिर 15 बिलियन माइंड का गाइड काफ़ी अच्छा होगा, और प्लस गाइड फेस खेलता हूँ काफ़ी अच्छा होगा, और भी प्लस ड्रैगन एरिना वगैरह काफ़ी अच्छे होने चाहिए। अगर ड्रैगन एरिना वगैरह खेलते हैं तो उससे आपको कम क्या है गाइड पॉइंट्स मिल जाते हैं वहाँ से, ठीक है। प्लस हीलिंग स्पीडअप मिल जाता है आपको, प्लस आपको रिलोकेटर भी मिल जाते हैं, तो आपको ईजी हो जाता है। और रही बात यार, मैं बोलूँगा कि स्पीडअप सेव कीजिए, ठीक है। आपको डेली गिफ्ट से मिलते हैं, और आपको कोलेजियम से, तो मैं बोलूँगा कोलेजियम से आपको जेम्स मिल जाते हैं। आपको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको सारा कलेक्ट करके रखना है, डेली ट्रेनिंग कीजिए। जब भी आपको हेलमेट मिलता है अच्छा ट्रेनिंग वाला, ठीक है, सोलो इवेंट और ट्रेनिंग इवेंट आपको हेलमेट मिल जाता है काफ़ी अच्छा, तो आप कर लीजिए उससे पहले, ठीक है। तो आपको मतलब क्या होगा, आप ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और आप बढ़िया अर्न भी कर लेंगे। मतलब आप हेलमेट से काफ़ी अच्छी मतलब मॉन्स्टर चेस्ट, ठीक है, ये मॉन्स्टर चेस्ट होते हैं ये आप अर्न कर लेंगे, जिससे आपको हेल्प होगी। जैसे ये गैदरिंग गियर्स है ये भी आपको मिल जाएंगे, जिससे आपके ट्रूप को बनाने के लिए काफ़ी अच्छा मतलब ट्रूप बोल रहे हो गियर्स और गियर्स बनाने में काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाएगी। मैंने फ्री टू प्ले मैंने मतलब 8 से 9 मिलियन मैंने ट्रूप बनाए फ्री टू प्ले विदाउट स्पेंडिंग, ठीक है। तो बस ऐसे ही करके बनाइए, ठीक है। पेशेंट रखिए 6 से 7 महीने अच्छे से पेशेंट रखिए, ठीक है, और डेली आइए डेली बना के जाइए, ठीक है। डेली आइए डेली बनाइए, और आपको रिसर्च क्या करनी है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इकोनॉमी मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि आपको माइंड कंट्रोल रख करनी है, ठीक है। डिफेंस में भी कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप ट्रैप्स थोड़े से खोल के रख दीजिए और थोड़े ट्रैप्स बना दीजिए, जिससे आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी और वर्ल्ड डेवलपिटी से हाँ थोड़ी हेल्प हो जाएगी यहाँ से। तो यहाँ पे थोड़ी मतलब थोड़ी बहुत आपको थोड़ी सी मतलब रिसर्च कर दीजिए वर्ल्ड डिफेंस का, ठीक है। मिलिट्री को 9.5 और 10 कर दीजिए, ठीक है, यहाँ तक 9। और रही बात ये तीनों को नहीं 1, 2, 3 ये इन्फेंट्री कैवलरी रेंज इन्हें 10 पर कर दीजिए, तो आपका काफ़ी अच्छा अटैक एचपी डिफेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। प्लस मॉन्स्टर हंटिंग यहाँ पे कुछ करना नहीं है, लेकिन लेवल 2 थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, मतलब आपको हंटिंग के लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी रिसर्च कर दीजिए जिससे आप हंटिंग कर सके अच्छा। प्लस डिफेंस यहाँ पे मुझे लगता नहीं कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन थोड़ी सी मतलब जैसा मैंने किया है इतना बस हाँ इतना करके रख दीजिए हो जाएगा। आपको रिसर्च मतलब क्या है कि आपको माइट कंट्रोल में रखना है, आपको 150 का ट्रैप नहीं बनाना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कितनी मिलियन माइट होनी चाहिए आपकी ट्रैप की। अपग्रेड डिफेंस में हाँ आप यहाँ पे आकर थोड़ी सी सब्सिडी मतलब इसे रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे आपका जो रिसोर्स है थोड़ा कॉस्ट वो मतलब लो हो जाएगा। प्लस आपको एक क्विक स्टेप अनलॉक करना है, ठीक है, और 2 टैलेंट एक फार्मिंग के लिए लगाएंगे आप और दूसरा वॉर के लिए, आपको रेडी रहना है। बार बार आपको रिसेट करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी रिसेट कर देते हैं और फिर एक दो मतलब इधर उधर हो जाए तो यार वापस करना पड़ता है, इसलिए पहले सेटअप करके रख दीजिए टैलेंट को, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा टैलेंट भी आपको क्या यूज़ करना है और क्या करना है, ठीक है। और थर्ड है आपका मतलब लीडरशिप। लीडरशिप में आपको क्या करना है, 2 फैलेंस ओपन कर देने हैं, कैवलरी एंड रेंज, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कोई आपके ऊपर रेंज से अटैक कर रहा है तो आप इन्फेंट्री पर चेंज कर सकते हैं, कोई कैवलरी से कर रहा है तो आप रेंज पर चेंज करते आना चाहिए, ठीक है, जिससे लेस लॉस होगा आपका, आपको गियर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है मिलिट्री काउंट में आपको क्या करना है, ब्रेक थ्रू अनलॉक करना है बस। ब्रेक थ्रू चाहिए थोड़े से हार्ड को अनलॉक कर दीजिए बस हो गया, और ब्रेक थ्रू पहले अनलॉक कीजिए जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। और रही बात फैमिलियर में आप आइए और पैक 2 तक के अनलॉक कीजिए बस, बाकी कुछ नहीं करना है। पैक 2 अनलॉक कीजिए उतना ही काफ़ी है। और फिर हमारा है चौथा,
हमारा है फैमिलियर बैटल प्लॉट, हमें वो देखना है। ठीक है, फैमिलियर बैटल प्लॉट में आपको क्या करना है कि आपको दो फैमिलियर प्लॉट ओपन करना है। ठीक है, ओनली दो, तीन तक के आप जा सकते हैं अगर आपसे हो पाया तो। मैं तो कहूँगा हाँ तीन भी अच्छा हो जाएगा, मतलब क्या है आपका अटैक बढ़ जाएगा, लेकिन दो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, मतलब आपकी माइंड कंट्रोल पे रहेगी। ठीक, सीजीएल वंडर यहाँ तो कुछ करना नहीं है, तो अपने काम का है ही नहीं, और तीसरा भी किसी काम के नहीं हमारा, हमको T2 T1 पे ही रहना है और T3 पे। ठीक है, ये सब है, बाद में आप अपने जो मैनर्स है यहाँ पे फैमिलीज के लिए काफ़ी अच्छे बना लीजिए। अब जैसे ही आपके मतलब ट्रूप्स मतलब आपके ट्रेन हो जाए अच्छे से, 6 से 8 मिलियन का ट्रूप मतलब काफ़ी अच्छा हो जाएगा गियर के लिए। ठीक है, अब डिपेंड भी करता है कि आपके पास गियर्स कैसे है। अभी मतलब जो बंदे सोलो ट्रैप खेल रहे हैं उनके पास मतलब क्या पेड के गियर्स है काफ़ी अच्छे। ठीक है, प्लस उनके पास गोल्ड या फिर एपिक वाले जो है ज्वेल्स लगे हुए अटैक के, आर्मी अटैक के। ठीक है, तो उनको हेल्प हो जाती है, लेकिन हम क्या है फ्री टू प्ले प्लेयर्स है यार, तो फ्री टू प्ले ये हमारे गियर्स है, और इसमें क्या है रेयर और ग्रीन लगे हुए, फिलहाल मैंने वही लगा के रखे, लेकिन जो मेरा सोलो ट्रैप था वहाँ पर मैंने सारे के सारे कुछ एपिक और कुछ ब्लू लगा के रखे। और मैंने कैसे लगाए, मैंने माइग्रेशन स्कूल वेस्ट नहीं किए अपने, सबसे पहली बात मतलब सॉरी गाइल्ड कॉइन जो है ना वो वेस्ट नहीं किए, मैंने सारे के सारे कलेक्ट किए डेली, एरिना से मुझे काफ़ी हेल्प मिल गई, तो वहाँ से मैंने काफ़ी सारे कलेक्ट किए। जैसे गाइल्ड फेस आया, मैंने गाइल्ड फेस में सारे को स्पेंड कर दिए, 130 का क्वेस्ट आता है आपको पता है, आपको हाँ वेस्ट कर देने हैं सारे क्वेस्ट, और आपको गाइल्ड कॉइन से क्या करना है ये ज्वेल चेस्ट बाय कर लेने सारे के सारे। ठीक है, और उन्हें 5-10 के हिसाब से ओपन करते जाइए, जैसे जैसे मिला उन्हें, मैं तो कहूँगा रेयर ज्वेल्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, रेयर और एपिक, और एज अ फ्री टू प्ले रेयर ही ठीक है, आप सारे पुटअप कर दीजिए। और सभी गियर्स में आपको मिक्स लगाना है, ठीक है, कैवली रेंज इन्फेंट्री ये आपको तीनों सभी गियर्स में इक्वली लगा देने का है, जिससे आपका गियर अटैक काफ़ी बढ़ जाएगा, 250 प्लस तो हो ही जाएगा इजीली, क्योंकि मेरा खुद का ही था। और रही बात, मैंने तो सारे के सारे डिफेंस ज्वेल्स पे यूज़ किए थे, क्योंकि मैं लेवल 60 गियर्स पे करना चाहता था ना, इसलिए मैंने सारे के सारे डिफेंस में लिए। ठीक है गाइस, एक ध्यान से सुना कि मैंने डिफेंस में लिए अटैक, ठीक है, जब तक मैं लेवल 60 रीच नहीं किया तब तक के मैंने लेवल 59 पे रह के मैंने डिफेंस ज्वेल्स पे मैंने अपने सोलो ट्रैप इन्जॉय किया। ठीक है, हाँ कई बार मैं बर्न भी हुआ, लेकिन मैंने डिफेंस काफ़ी अच्छा किया। कई हद तक समझ लीजिए कि आप कभी मतलब आपको लगता है कि यार अब हो जाएगा थोड़ा लॉस हो जाएगा, तो जैसे आपको किसी कैस्टल ने आपको स्काउट किया और फिर इन्वेडिंग करने वाला है, तो आप 20% अटैक भी ले सकते हैं, और गियर चेंज करके तुरंत वहाँ से रैंडम ले सकते हैं। ठीक है, उसके स्काउट करने से पहले वगैरह वगैरह, ठीक है, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। टाइम मीन्स मतलब उसे आगे वाले बंदे को पता नहीं चलेगा क्या आप क्या है करके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करनी है, तो आपको मैंने पहले बता दिया कि करना क्या है, आपको सारे मेहनत हटा देने, ठीक है, मैंने सॉरी हॉस्पिटल सारे मेहनत लगा देने, बिल्डिंग्स इक्वली रखने आपको, जिससे आपको प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा। स्पीडअप सेव कीजिए डेली गाइड को ऐसे सभी जहाँ से, और रही बात गाइड से अच्छे से खेलिए, वहाँ से आपको काफ़ी सारे ज्वेल्स मिल जाएंगे, मॉन्स्टर चेस मिल जाएगी, जिससे आप कलेक्ट कीजिए डेली क्वेस्ट से भी आजकल, मतलब आपको तो काफ़ी अच्छा है यार, हमारे वक्त में ये सब था नहीं तो हमें कुछ मिला नहीं, लेकिन इस वक्त आपको काफ़ी अच्छा मिल रही है सारे के तीनों चेस, देखिए इन तीनों को आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, डेली कलेक्ट कीजिए, डेली ओपन मत कीजिए, डेली कलेक्ट कीजिए उसे। ठीक है, डेली ओपन करेंगे तो क्या है कुछ खास ड्रॉप रेट मिलेगा नहीं आपको, ठीक है, चार में क्या मिलने वाला है, लकीली मिल जाएगा कभी कभी बस, तो आपको डेली कलेक्ट करना है अच्छे से, होने दीजिए जब तक कि आपके ट्रूप्स ट्रेन नहीं हो जाते, आपके ट्रैप के लाए जितना मैंने आपको बताया 6 से 8 मिलियन के करीब काफ़ी अच्छा सोलो ट्रैप बन जाएगा। और ट्रूप कॉम क्या होगी मैंने भी आपको बता दिया स्टार्टिंग में ही, 500 के ईच T3 एंड 2 मिलियन ईच T2, सबसे बढ़िया ट्रैप हो जाएगा यार, क्योंकि मैं खुद अभी वैसे कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से, मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है KVK में, एरिना में। और सबसे पहली बात, KVK में उतरने से पहले 3-4-5 एटलीस्ट 10 ड्रैगन एरिना में अपने आप को टेस्ट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, अच्छे से टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि कई हद तक क्या है कोई कोई गाइड इतना स्ट्रांग होता नहीं है अपोनेंट वाला गाइड, और वो अटैक करता नहीं अपने ऊपर, तो ड्रैगन एरिना में आप अच्छे से अपने ट्रैप को टेस्ट कर लीजिए, आपको लगता है कि नहीं अब मैं रेडी हूँ तो अगले KVK पे आप जंप मार सकते हैं। ठीक है, चलिए करके, ठीक है, आपको ये सब करना है। और ट्रूप मैं आपको बता दूँ क्या करना है, तो जैसे आपका मतलब ट्रैप रेडी हो गया है, आपको अपने सारे बिल्डिंग्स हटा देने, ठीक है, सारे बिल्डिंग्स हटा देने, ये सारे के सारे डिलीट करने, जिससे आपके जो है ना क्या बोलते उसे माइट वो अंडर रहेगी 100 मिलियन, ठीक है, या फिर 120 अंडर रहेगी। ठीक है, और सारे के सारे हॉस्पिटल लगा देने, ठीक है, सारे के सारे हॉस्पिटल हटा मैनस हटा देने के बाद हॉस्पिटल कैपेसिटी एटलीस्ट 600 के प्लस बढ़ जाएगी। ठीक है, 600 के प्लस बढ़ जाएगी, मतलब काफ़ी अच्छा होगा वो आपके लिए। ठीक है गाइस,
और डेली आइए, मतलब स्पीड अप जिम्स कीजिए, हेल इवेंट्स देखिए, अच्छा है वहाँ पे स्पेंड कर दीजिए, ट्रेनिंग का हेल इवेंट आया तो, और बस वही करना है आपको डेली, बस यही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। मैंने ऐसे ही करके अपना सोलो ट्रैप बनाया है और उसके बाद बस आप जानते हैं कि मैंने कैसा किया। हाँ बस मुझसे क्या हो गया कि मैंने यार जब मैं सोलो ट्रैप था उस वक्त मैं सोचा था कि यार मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना है, बट जब मैं केवीके खेलता था ना तो मेरे हाथ मतलब हार्ट बीट बढ़ जाती थी मेरी, बता नहीं सकता आपको उस वक्त, मतलब मेरी हार्ट बीट काफ़ी बढ़ जाती थी, मैं डरता था एकदम यार कैसा होगा, कौन आकर अटैक करेगा वगैरह वगैरह। लेकिन दो तीन बार केवीके जब मैंने खेला उसके बाद बस हो गया, उस वक्त मुझे मतलब वो मतलब डर खत्म सा हो गया था, फिर कोई भी आ जाए बंदा कोई टेंशन नहीं, मैं तो खुद जाके रिलोकेट करता था बेस पे बोलिए या फिर कॉर्ड पे जाके मैं खुद रिलोकेट कर लेता था, मुझे डर नहीं लगता और ना आज भी लगता। तो यही है बस एक्सपीरियंस, अगर आपको आ गया फिर आपको पता है प्रूफ कॉम्प में क्या चेंजेस कर रहे हैं क्या नहीं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, गियर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अपने गियर्स दिखा देता हूँ, ये मेरे गियर्स है। ठीक है, ये सारे मेरे गियर्स है फ्री टू प्ले, तो मैं आपको बताऊंगा सबसे फ्री टू प्ले गियर्स कौन से होने चाहिए, ये वाले। ठीक है, ये आप तीनों एसेसरीज में एक साथ लगा सकते हैं। ठीक है, ये वाला लॉस्ट आइसलैंड आप तीनों एसेसरी में लगा दीजिए प्लस मिक्स ज्वेल के साथ, यहाँ पर आपको ऑफ हैंड पे एक रेंज अटैक देता है। ठीक है, जो फ्री टू प्ले गियर से आप टच करेंगे मैं आपको दिखा दूंगा, और ये आपका सेम ही रहना चाहिए। ठीक है, अब बाकी दूसरे है वो ठीक है, लेकिन ये आपको तीनों मतलब तीनों अटैक देता है। ठीक है, इसको आप मिथिक इजीली कर सकते हैं, तो आपका ये होना चाहिए। ठीक है, फेरी आपका ये होना चाहिए, और आर्मर में यही है जो है, और मैक्सिमम लोग को मैं यही कहूँगा कि यही सबसे बढ़िया है यार, आपको मिक्स देता है सबसे बढ़िया अटैक, इन्फेंट्री और रेंज अटैक। ठीक है, आपको मिक्स देता है ये बढ़िया तीनों का। एंड आर्मर में क्या होना चाहिए, तो आर्मर में मैं क्वीन बी या बोनाफाइड में से कोई दो ही आपको यूज़ करने के लिए बोलूँगा सबसे पहली बार। ठीक है, इन दोनों गियर में से कोई एक सबसे बढ़िया है आपके लिए। ठीक है, थर्ड आपका लेग बोनापेटी का ही लेग होना चाहिए जो आपको मिक्स अटैक देता है। ठीक है, कैवली और रेंज एंड डिफेंस भी दे देता है साथ में, आप इसमें गियर ज्वेल्स पुट अप कर देंगे तो बढ़ जाएगा काफ़ी अच्छा, ये आपके गियर्स होने चाहिए। तो ऑफ हैंड में आपको बताने वाला था कि आपको कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, जो आर्मी मैक्स एचपी देता है, तो ऑफ हैंड आपका ये रहा। ठीक है, ये आपको करना है लूनस। ठीक है, ये आपको क्या करता है, मिथिक पर 12% अटैक देता है प्लस आर्मी मैक्स एचपी, सभी लोग इसी के पीछे जाते हैं। ठीक है, आर्मी मैक्स एचपी और आर्मी अटैक, यही सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस गेम में, तो आपको ये करना है। ठीक है, और ये देख लीजिए, ये गैदरिंग गियर से ही होते हैं। ठीक है, आप इसको फील्ड में, इसे रॉक पे, और इसे आप इस भी रॉक, मतलब आपको रॉक वुड एंड ओरे एंड फूड यही आपको गैदर करना है। ठीक है, डेली जितना हो सके उतना यही गैदर करना है, जिससे आपका सोलो ट्रैप काफ़ी अच्छा बन जाएगा। ठीक है गाइस, यही चीज़ें आपको करनी है। और वैसे भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा यार, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि मैं कुछ चीज़ें भूल तो नहीं गया यहाँ पे आपको बताने के लिए, तो मैं आपको अपनी वीडियो में फिर से क्लियर कर दूंगा कि क्या है और क्या नहीं है। मुझे किसी ने पूछा था आदित्य ने कि T1, T2, T3 पर यार वीडियोज़ बनाओ, तो मैं यार भाई मैं यही कहूँगा कि T1 तो उतना काम की नहीं है, अगर तुझे सोलो ट्रैप बनाना है तो मैं बोलूँगा जो मैंने वीडियो बनाई है ये परफेक्ट है। ठीक है, सोलो ट्रैप के लिए। हाँ, अगर तुम्हें T4 का अकाउंट बनाना है तो T1 किसी काम के नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो T2 के साथ ही जाना सभी को, T3 और T3 ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि T3 क्या है, रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा मांगते हैं हील करने के लिए, स्पीड अप मांगते हैं, तो आपको T2 के साथ ही रहना है, जो लेस हो जाएगा आपके साथ रिसोर्स का, और प्लस स्पीड अप भी काफ़ी सारे बच जाएंगे आपसे। ठीक है, तो यही करना है यार, और थैंक यू देखने के लिए आखिरी तक। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भेजिए कीजिए, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए यार वीडियो, मतलब क्या मैं उनको भी हेल्प हो जाएगी, अगर उन्हें ट्रैप अकाउंट इन्जॉय करना था। ठीक है, उनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और मिलता हूँ अगले वीडियो पर, और कमेंट में बताइए मुझसे कुछ गलती हो गई होगी तो। थैंक यू।